नमस्कार दोस्तों, BSET की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन कंप्यूटर की, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन यहाँ पर ली गई हैं, देखिए आप लोग। और कैसी लगती है आपको वीडियो, ये कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसमें से एक आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी। तो पहले ही शुरू करते हैं। पहली है एलगॉग। एलगॉग का मतलब होता है एलोग्रामेटिक लैंग्वेज। दूसरी है ALU। ALU का मतलब है अर्थमेटिक एंड लॉजिक का यूनिट। तीसरी है ANSI। ANSI का मतलब है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और चौथी है ASCII। ASCII का मतलब है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूछेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है, तो मैं ये कहूँगा कि ये कई बार एग्ज़ाम में आई हुई है। तो इस एब्रीविएशन को आप लोग ज़रूर याद रखें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। दूसरी है ADF। ADF का मतलब है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फोल्डर। और BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप ईमेल भेजते हैं तो इस कॉपी के बारे में आप जानते होंगे कि BCC क्या है। BARC। BARC का मतलब है भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये भारत का एक रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC। बेसिक। बेसिक ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरनेशनल कोड। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस, ठीक है। BSNL आप सभी जानते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL। कोबोल। कोबोल एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिसका नाम है पूरा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बिजनेस के पर्पस से बनी हुई है और स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोमल। कोमल भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसका नाम है कॉमन एल्गोमेथिक लैंग्वेज। सीडी रोम, ये सब आप लोगों को पता होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉमन ऑब्जेक्ट मोड। CDMA, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। देखिए पहले CDMA सिम चलता था, वही है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो पूरे डाटाबेस को संभाल कर रखता है, ठीक है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को संभालने वाला व्यक्ति डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। DNS। DNS डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम क्या होता है, डॉट के बाद जो हम लोग लिखते हैं वो डोमेन नेम कहलाता है। वेबसाइट पे जो डॉट के बाद डॉट कॉम डॉट इन होता है, डॉट कॉम डॉट इन, ये सब डोमेन नेम है। और DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। DPI यानी डॉट पर इंच। डॉट पर इंच का मतलब होता है कि एक मॉनिटर स्क्रीन में कितने डॉट हैं, उस हिसाब से उसकी जो है क्वालिटी चेक होती है। तो DPI का मतलब हो गया डॉट पर इंच। DRAM यानी डायनेमिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM। DRDO ये एक रिसर्च सेंटर है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये भारत के लिए मिसाइल और रॉकेट बनाने का काम करती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एडसेक। एडसेक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर है, कंप्यूटर नहीं है, तो कई बार यहाँ पे कंप्यूटर करके जो है क्वेश्चन घुमाया जाता है। FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फैक्स, फॉर अवे जेरोक्स, और फॉरटेन। फॉरटेन ये लास्ट है इस वीडियो की। फॉरटेन की फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्टन के बारे में आपको बता दें, इसका आविष्कार 1953 में हुआ है, और ये जो है कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज है जो बनाई गई थी, यानी कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज फॉर्टन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइए कमेंट में, और आप क्या सुधार चाहते हैं, या कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सी वीडियो चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बताइए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।